कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम लोग जो भी आप ट्रायंगल लॉ, एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ का लॉज भी देखे हैं, वेक्टर्स में जो यूज करते हैं, या कुछ कांस्टेंट डेवलप करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल में था सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है, वो सब बात करेंगे। पहले बात उस पर कर लें जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं, सिर्फ एक लाइन मेन फोकस देके, वो है, एक तो है सेक्शनल फार्मूला, और एक और लाइन पे ध्यान दिए हो तो वहाँ था कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स आर प्रोपोर्शनल, या ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी लिख सकते हैं। और कभी अगर ए और बी अगर पैरेलल नहीं है और आपको दिखाई दे एम ए इज इक्वल्स टू एन बी, तो एम और एन को जीरो होना होगा। एम और एन को क्या होना होगा? जीरो होना होगा अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी नहीं है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पहले कुछ सवाल कर लेते हैं जिसमें वो पुरानी बातों को अप्लाई कर लें, फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि इफ वैक्टर ए 2i + 5j + k एंड वैक्टर बी, दो वैक्टर दिया है, क्वेश्चन नंबर वन, वेक्टर ए है हमारे पास 2i + 5j + k और वेक्टर बी है 4i + mj + nk, आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर ए कोलिनियर विथ वेक्टर बी देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स आर प्रोपोर्शनल, तो 2/4 = 5/m = 1/n। तो यहाँ से m निकाल लीजिए और इसको इसको बराबर करके n निकाल लीजिए, तो 5/m = ½, तो m = क्या आ गया, 10, और ½ = 1/n, तो n बराबर क्या हो गया, 2। ऐसे कर सकते, आप बोलिएगा नहीं हम मेथड से करेंगे। तो अगर वेक्टर ए इज कोलिनियर विद वेक्टर बी तो लैम्डा टाइम्स करना ही होगा, फिर यही चलेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू a1/a2 फिर b1/b2 c1/c2, यही आएगा। तो पहला तो हो गया, दूसरे सवाल पे चलिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है हमारे पास कि ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी कोलिनियर नहीं है, लेकिन ए प्लस टू बी इज कोलिनियर विथ सी, तो ए प्लस टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा, b+3c इज कोलिनियर विथ a, तो b+3c इज कोलिनियर विथ a, तो म्यू a लिख सकते हैं, एक जगह लैम्डा लाए एक जगह म्यू लाए, ये दो मिला। अब यहाँ पे तीन तीन वेक्टर दिख रहा है a b c, इसमें भी a b c, ठीक है। तो अगर हम चाहे तो यहाँ और यहाँ, कभी ए में आया कभी सी में आया वेरिएबल, तो बी बच रहा है, तो अगर हम एलिमिनेट वेक्टर बी कर दें लीनियर इक्वेशन यूज करके, एलिमिनेट वेक्टर बी, तो कुछ बात बन जाएगा। क्या बात बन जाएगा सो देखिए, यहाँ पे वन है, ये टू है, इनटू टू कर दिया और घटा दिए, तो ये क्या आया, 2b + 6c = 2μa,
और इसको घटा रहे हैं, टू बी कट गया, ए कैसे साइन चेंज कर देते हैं, ए माइनस सिक्स सी इज इक्वल्स टू लैम्डा सी माइनस टू म्यू ए, ऐसा। तो वेक्टर ए इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर सी, तो कोरस्पोंडिंग कोफिशियंट्स आर इक्वल, तो वन बराबर माइनस टू म्यू, तो म्यू बराबर क्या हो गया, माइनस हाफ आ रहा है, और माइनस सिक्स बराबर लैम्डा आ रहा है, ठीक है। तो अब हमको निकाला था फाइनली, ये लैम्डा को यहां डाल दीजिए फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन वन, तो क्या मिलेगा, ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू लैम्डा सी, लैम्डा का वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स सी, तो यही वैल्यू निकालना था लगता है। तो देखिए ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी बराबर जीरो आंसर, तो जीरो इज द हीरो ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, तीन पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ए है, ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए है 7j प्लस 10k, बी का पॉइंट दिया हुआ है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जिसको ओ बी कहते हैं माइनस आई प्लस 6j प्लस 6k, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी माइनस फोर आई प्लस नाइन जे प्लस सिक्स के, ओ ए ओ बी ओ सी, फॉर्म अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, ये बात प्रूव करना है, ठीक है। तो आप पहले ए बी बी सी सी ए निकाल लीजिए, तो ए बी का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ये हो गया, आराम से लिखिए माइनस आई प्लस सिक्स जे प्लस सिक्स के माइनस सेवन जे प्लस टेन के, माइनस आई माइनस माइनस आई खाली एक ही है, सिक्स आई माइनस सेवन जे माइनस माइनस जे, सिक्स के माइनस टेन के माइनस फोर के, तो ये हो गया ए बी, तो मॉड ए बी कितना आ गया वो भी देख लीजिए, रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया वन वन और सोलह, सोलह दो अठारह, थ्री रूट टू, थ्री रूट टू। इसी तरीके से बी सी निकालिए और सी ए निकालिए जल्दी जल्दी, तब डायरेक्ट निकालेंगे, बी सी माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री आई, नाइन माइनस सिक्स प्लस थ्री जे, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, तो अगर आपसे पूछे मॉड बी सी तो ये होगा नौ प्लस नौ अठारह, थ्री रूट टू, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो आइसोसेलस तो हो रहा है, जरा देख ले सी ए पोजिशन वैक्टर ऑफ ए
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस फोर प्लस आई नाइन माइनस सिक्स, यहाँ सी ए बोल रहे हैं तो सेवन माइनस ऑफ माइनस फोर इलेवन। अच्छा रुकिएगा थोड़ा सा, ये क्या है आई, आई क्या है जे, तो माइनस फोर आई होगा, ये ध्यान देना है। नाइन माइनस सेवन, अच्छा फाइनल कौन है वो बताइए, थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा बाबू, इसको आराम से लिखिए, दुर्घटना हो सकती है। पोजिशन वैक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, जब भी कोई छोड़ा हुआ हो ना तो ऐसे करना है, कुछ चीज़ नज़रअंदाज हो जाता है, इसीलिए इसको लिख लीजिए। देखिए सेवन जे है, आई नहीं है, टेन के है, माइनस ओ सी माइनस फोर आई प्लस नाइन जे प्लस सिक्स के, इसलिए हमेशा स्टेप को कम करना लाभकारी नहीं होता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, तो फोर आई सेवन जे माइनस नाइन जे माइनस टू जे टेन के माइनस सिक्स के फोर के, अगर मॉड सी ए पूछे तो ये क्या हो गया, रूट अंडर सोलह चार बीस, बीस और सोलह छत्तीस, तो ये छः आ रहा है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम याद है तो सबसे बड़ा यही दिखा, तो क्या देख रहे हैं, मॉड ए बी स्क्वायर प्लस मॉड बी सी स्क्वायर बराबर मॉड सी ए स्क्वायर, तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और मॉड ए बी और मॉड बी सी बराबर है तो आइसोसेलस भी हो गया, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे सवाल को बनाते, ठीक है आगे चलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल लॉ का। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है वेक्टर में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप ऐसे पढ़े हैं। तो अगर ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, तो आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो गया, कैसा दिखेगा, और इसको लाके यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट मर्ज कर दे, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दे, तो ये क्या हो गया वेक्टर बी। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, दैट इज इक्वलेंट टू रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ गए, ये होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है जिसमें एक साइड वेक्टर ए है, दूसरे साइड वेक्टर बी है, और तीसरे साइड ए प्लस बी तीसरा साइड है। तो अगर आपको बोला जाए कि अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ टू साइड ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो और थर्ड साइड क्या है सी ए या ए सी, तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो ए बी का मतलब मॉड ए, बी सी का मतलब मॉड बी, सी ए का मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी, सम ऑफ टू साइड बड़ा होता है, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। अच्छा बराबर कब हो सकता है, अगर ये कोलिनियर हो जाए, ये वेक्टर ए हो जाए, ठीक है, और ये इसी लाइन में आ जाए, ये जो है इसी में आ जाए वेक्टर बी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहला सकता है। तो अगर कोलिनियर हो जाए तो बराबर भी हो सकता है, ट्रायंगल बनेगा तो ये होता है, और कोलिनियर अगर हो जाए तो स्पेशल केस में
मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी भी हो सकता है। अगर हम बोले डिफरेंस ऑफ टू साइड, मान लीजिए बोले मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कितना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ऐसे बोल सकते हैं। अगर जो आप ट्रायंगल बनाए हैं इसी में और भी ट्रायंगल बन सकता है, देखिए अगर थोड़ा सा हम माइनस बी को उल्टा प्रोड्यूस कर दिए तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका नाम होगा माइनस बी, तो ये तब क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। अगर मान लीजिए इसका नाम अगर हम पी रख दिए तो इसका नाम क्या है, ए माइनस बी। अब इस पे अगर आप लगाइएगा डिफरेंस ऑफ टू साइड या सम ऑफ टू साइड, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ माइनस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और अगर एक लाइन में आएगा तो इक्वल टू हो सकता है, आप देखें अगर डिफरेंस पे आइएगा तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ माइनस बी इज सेम एज मॉड बी का मॉड, लेस देन द थर्ड साइड मॉड ऑफ ए माइनस बी इज द थर्ड साइड, तो आप इसमें निबंध लिख सकते हैं। अब आपको अगर एक पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल देख लें तो क्या क्या बात हो सकता है, मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ये भी क्या हुआ, वेक्टर बी ना, और ये क्या हुआ, वेक्टर ए। तो अगर हम यहाँ आना चाहें तो ये आ रहा है बी प्लस ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अगर आप इधर से आना चाहें तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप यहाँ से क्या प्रूफ कर पाए कि ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल लॉ को और आगे बढ़ा रहे हैं, ये वेक्टर बी है, यहाँ कहीं वेक्टर सी है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिए, इसको भी ज्वाइन कर दिए, तो आप बताइए इस पार्ट को, इस पार्ट को आप क्या बोलिएगा, अगर ऐसे एरो दे रहे हैं तो ये ए है ये बी है, तो ये क्या हुआ, ए प्लस बी। अगर हम लोग यहां से ज्वाइन करें इसको तो इसका नाम क्या हो सकता है, ये वेक्टर ए है, अच्छा ये वेक्टर बी है ये सी है, तो इसका नाम क्या बोल सकते हैं, बी प्लस सी बोल सकते हैं, बी प्लस सी। तो आप बताइए ए में अगर बी प्लस सी निकालेंगे तो इसका नाम हम डी दे रहे हैं, तो डी को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, ट्रायंगल लगाए ए और पहले बी प्लस सी जोड़ लें, तो या ए प्लस बी पहले जोड़ लें और प्लस सी बाद में करें, एक ही बात है, तो यहाँ ब्रैकेट डालिए या यहाँ ब्रैकेट डालिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। और लिखते हैं इसको मिटा रहे, हम लोग एक चीज पढ़े हैं उसको पहले लिख दें, उसके बाद पहला पॉइंट कि मान लीजिए इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी तो ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है। अब लैम्डा की जगह पे एम बाई एन भी हो सकता है,
तो ये क्या दिख सकता है, a इज इक्वल्स टू m बाई n टाइम्स b, यानी यहाँ पे एन ए और एम बी बराबर हो सकता है। लेकिन अब इसका काउंटर पार्ट चल रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर एंड दिया हुआ है एम ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर वो नॉन कोलिनियर है और एम ए प्लस एन बी जीरो हो रहा है, यानी इसको आप लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल्स टू माइनस एन बी, ए इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो कोलिनियर जैसा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स बी आ रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर देगा। अगर ये मीनिंगफुल होगा तो ये कंट्राडिक्ट कर देगा, ऐसे लिख सकते हैं। या बी इज इक्वल्स टू, अगर आप माइनस एम बाई एन टाइम्स ए बी लिख पाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कंक्लूड ए इज पैरेलल टू बी, जबकि पैरेलल और कोलिनियर एक ही चीज़ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है नॉन कोलिनियर, तो शुड बी अनडिफाइंड, ये शुड बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी एम क्या होना चाहिए यहाँ से जीरो, और ये भी अनडिफाइंड होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, ये भी अनडिफाइंड होना चाहिए एंड ये भी अनडिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि ये अगर डिफाइंड हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा सिस्टम। तो ये अनडिफाइंड कब होगा, तो यहाँ से क्या कंक्लूड करना है कि अगर नॉन कोलिनियर है और एम ए बराबर एन बी दिया हुआ है, एम ए प्लस एन बी बराबर जीरो दिया हुआ है, तो एम भी जीरो और एन भी जीरो, इसी का ए अगर इसको बोल दे, कभी अगर ऐसा दिया हो ए इज नॉट पैरेलल टू बी और एम वन ए प्लस एन वन बी बराबर एम टू ए प्लस एन टू बी, तो यहाँ से आपको कंक्लूड करना है, इसको आप चाहेंगे तो एक साइड लिख सकते हैं एम वन माइनस एम टू इंटू वैक्टर ए प्लस एन वन माइनस एन टू इंटू वैक्टर बी बराबर जीरो, एंड वैक्टर ए इज नॉट पैरेलल टू नॉन कोलिनियर है बी के साथ, तो एम वन माइनस एम टू बराबर क्या होना चाहिए जीरो एंड एन वन माइनस एन टू भी जीरो, तो एम वन बराबर एम टू, एन वन बराबर एन टू, ये बात, ये दोनों बात होना चाहिए, तब इसका कोई मतलब होगा, जैसे कि जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू बी बराबर जीरो, हाँ ये तो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ अगर ए और बी नॉन कोलिनियर है तो ऐसे भी बराबर हो सकता है, और एम ए प्लस एन बी तब जीरो हो सकता है। अब कहता है कि मान लीजिए हमारे पास तीन पॉइंट है, तीसरा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, तीसरा पॉइंट है कि थ्री पॉइंट्स ए बी सी ऑन अ प्लेन हैविंग पोजीशन वेक्टर, हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर और एक चीज दिया हुआ है एम ए प्लस एन बी एम एन
पी मान लीजिए पी सी बराबर जीरो, देन एम प्लस एन प्लस पी जीरो होगा। एम प्लस एन प्लस पी क्या होगा? जीरो। वेयर एम एन पी आर नॉट ऑल जीरोज, वेयर एम एन पी आर नॉट ऑल जीरोज। ऐसा नहीं कि एम एन पी जीरोज है, ठीक है, वो कोलिनियर है। एम एन पी में से कोई भी नॉन जीरो है, कुछ नॉन जीरोज है या सब नॉन जीरोज है, तो तीनों का सम जीरो होगा तभी वो कोलिनियर हो पाएगा या कोलिनियर होगा, तो एम प्लस एन सम ऑफ कोफिशियंट्स जीरो होगा। मान लीजिए कि अगर हम ए बी का बात करें तो ये क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, बी सी का बात करें तो ये क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो ये हुआ स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए, ये हुआ स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी हुआ। तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी। तो यहां से क्या आ रहा है, ए बी बी माइनस ए लैम्डा टाइम्स बी सी, सी माइनस बी, सबको एक साइड ले आइए, लैम्डा सी मान लीजिए उधर ही ले गए, माइनस लैम्डा माइनस वन, तो माइनस लैम्डा प्लस वन बी प्लस वेक्टर ए बराबर जीरो। अब देखिए सम ऑफ कोफिशियंट्स क्या हो रहा है, सम ऑफ कोफिशियंट्स इज इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा माइनस वन प्लस वन, क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। सम ऑफ कोफिशियंट्स क्या है, जीरो। तो अगर कोलिनियर होगा तो सम ऑफ कोफिशियंट्स जीरो होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ये जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी दिख रहा है, तो कोई एक वेक्टर लिखेंगे तो उधर क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू होगा, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है कि देयर सम ऑफ कोफिशियंट्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और बात कर देते हैं, इसको मिटा देते, तीन नंबर है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, देन एनी वेक्टर आर, कोई वेक्टर आर है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, ऐसे हुआ कैसे भी अगर आप दो वेक्टर लेंगे तो एक प्लेन बनाएगा, ऐसे एक प्लेन बना दिया ऐसे, तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन को जनरेट करता है। यहाँ पे आप कैसे भी वेक्टर रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, ये इस प्लेन में आ सकता है। आप बोलेगा यहाँ नहीं, हम ऐसे रखेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो भी एक प्लेन है, देखिए ना, कैसे भी रखिए ये एक प्लेन है कि नहीं है, इसको इन्फाइनाइटली प्रोड्यूस कर दीजिए, एक प्लेन बनाएगा या नहीं, कैसे भी आप रखिए। आप बोलेगा हम ऐसे रखेंगे, तो इधर एक प्लेन है, इसको एक इसके साथ इसको मूव कराइए, एक प्लेन बना रहा है कि नहीं बना रहा है,
इसी के अबाउट मूव कराइए, बोलेगा ऐसे है तो आप ऐसे मूव कराइए। एक प्लेन, दो वेक्टर हमेशा को प्लेन होता है, तीन वेक्टर आता है तो सोचना पड़ता है कि वो उस प्लेन में है कि नहीं। तो एनी वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? वेक्टर ए और वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आर को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, हम उसको, ये वेक्टर बी है, दे आर नॉन कोलीनियर, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर, कैसा भी वेक्टर, ठीक है, आप बोलेगा ये वेक्टर को एक्सप्रेस कीजिए, ये वेक्टर को एक्सप्रेस कीजिए। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको ये अगर आर वेक्टर यहाँ पे भी है मान लीजिए, ये अगर ऐसे भी है, तो आप बताइए कि उसको पैरेलली शिफ्ट करके ये वेक्टर क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर आर है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वेक्टर आर है, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करा के यहाँ लाए, यहाँ से पैरेलली शिफ्ट करा के हम यहाँ ले गए, ठीक है, और ऐसे ही मेंटेन करते हुए हम ऐसे इसके पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो हम उसको पैरेलली शिफ्ट करके उसका जो को इनिशियल पॉइंट है उसको मर्ज करा सकते हैं, उसको मर्ज करा सकते हैं। कैसे? अगर हम उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए तो हम यहाँ लेके आ सकते हैं ऐसे, बोलिए ये वेक्टर और ये वेक्टर उतना ही मैग्नीट्यूड, तो ये आर है, हुआ। अब एक पैरेललोग्राम हम बना रहे, इसके पैरेलल ले लिए लाइन, ये क्या है, पैरेलल टू वेक्टर ए ले लिए और पैरेलल टू वेक्टर बी लेके एक पैरेललोग्राम बना लिए ऐसे, ये आर है। तो आप सोचिए ये वेक्टर ए है, तो यहां से यहां तक को ये जो आप देख पा रहे उसको हम स्केलिंग कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अ स्केलर क्वांटिटी। तो वो वेक्टर ए था, तो इतना का नाम हम चाहेंगे तो एक्स ए रख सकते हैं, और ये वेक्टर बी था तो इतने का नाम हम चाहेंगे तो वाई बी रख सकते हैं, एक्स एंड वाई आर स्केलर क्वांटिटी। तो इसको पैरेलली शिफ्ट किए तो ये भी वाई बी हो गया, तो ये आर क्या हो गया, आर क्या दिख रहा आपको, आर दिख रहा है हमको एक्स ए प्लस वाई बी, लिख सकते हैं। तो आप अगर एक वर्ड है यहां पे यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, एक्स और वाई यूनिक होगा अगर आर गिवन है, तो आर को वेरी कीजिएगा तो एक्स और वाई बदलेगा, लेकिन आर अगर कोई एक फिक्स कर लिए, कोई वेक्टर इस प्लेन में फिक्स कर लिए हैं तो एक्स और वाई का वैल्यू यूनिक होगा। मान लीजिए हम थोड़ा सा दो केस ले लेते हैं कि लेट आर इज इक्वल्स टू एक्स वन ए प्लस वाई वन बी एंड R is also equals to x to a plus y to b। मान लीजिए दो तरीका से कर सकते, तो यहाँ से ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा, x1 a plus y1 b बराबर x2 a plus y2 b। तो ये क्या आ गया, x1 minus x2 a plus y1 minus y2 b बराबर 0। तो सिंस वेक्टर ए इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर बी, तो x1 minus x2 को क्या होना होगा, 0,
और वाई वन माइनस वाई टू को जीरो, यानी एक्स वन बराबर एक्स टू एंड वाई वन बराबर वाई टू यूनिकली एक्सप्रेस्ड हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग नहीं हो सकता, वो सेम ही होगा। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर ए और बी के प्लेन में कैसा होता है, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए बी ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे आप। तो आपसे अगर कोई कहे कि अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप उसको ले सकते हैं आर इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी। ठीक है, और वो अगर फिक्स वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर है मान लीजिए, तो एक्स और वाई भी यूनिक होगा, दो तीन अलग अलग एक्स और वाई नहीं मिलेगा। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई एक ही वैल्यू लेगा, एक्स एक वैल्यू लेगा और वाई एक वैल्यू लेगा, तो ऐसे आप चल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास, मान लीजिए पॉइंट नंबर फोर, कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब दो वेक्टर एक प्लेन में तो हमेशा होता है लेकिन एक डिफरेंट प्लेन में चला गया, देन एनी वेक्टर इन स्पेस then any vector in space can be uniquely expressed as linear combination of vector A, vector B and vector C। तो मान लीजिए कि दो वेक्टर इसी प्लेन में है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कोलिनियर भी, ऐसा नहीं कि एक को दूसरे को ऊपर ले लिए तो फिर पता चला एक ही प्लेन में हो गया, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, मान लीजिए यहाँ ऊपर बना रहे ये वेक्टर सी है, ये ऐसे तो हम एक वेक्टर यहाँ रख रहे हैं अभी देखने के लिए, बहुत सारा चीज़ यहाँ स्पेस में भी देखना हुआ, तो यहाँ एक वेक्टर सी है तो ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। तो कोई वेक्टर आर है मान लीजिए, देखिएगा या यही है, एक मिनट के लिए ऐसे सोचिए, ए बी यहाँ है और सी यहाँ है, इसको हम ऐसे बना दे रहे, ठीक है इसको हम ऐसे बना, ये वेक्टर सी है, छोटा ही एग्जांपल लेके देखिए, तो कोई वेक्टर आर लिखना है, तो आर अगर यहाँ था तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ला सकते, तो ये वेक्टर आर है, यहाँ पे एक वेक्टर आर है, ऐसे ऊपर है वो, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये वेक्टर आर का शैडो यहाँ कहीं पड़ेगा, ये जो वेक्टर आर है इसका शैडो अगर उधर से लाइट पड़ेगा तो यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा परपेंडिकुलर वाला आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला को सी मैनेज कर सकता है, और यहाँ ये अगर ये मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं ना। तो देखिए इस वाले पार्ट को अगर इसका ज़रूरत है, मान लीजिए आर यहाँ है, तो ये अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर को आप लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन लाइक दिस,
ये कोई वेक्टर बना सकते हैं आप एक्स और वाई को एडजस्ट करके। अब सी यहाँ है, सी यहाँ है तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ भी ला सकते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं जेड सी। और ये आर है, ये क्या है आर, तो आर को क्या लिख पाएंगे, आर कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। एक बार फिर से देख लीजिए, मन घबराएगा थोड़ा, यहाँ कोई आर वेक्टर यहाँ है, ठीक है, जेड यहाँ है आपकी तरफ, तो अगर अगर आर यहाँ है, ये हम यहाँ पे इस जो सी वेक्टर था उसको यहाँ यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो इतना छोटा का नाम हम चाहेंगे तो जेड सी रख सकते हैं, तो ये जेड सी हो गया। तो हमको एक वेक्टर ये चाहिए, दिस प्लस जेड सी इज इक्वल टू आर। तो एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी कैन बी फाइंड आउट बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो ये एक्स ए प्लस वाई बी हो गया, आई छोटा वाला यहाँ से यहाँ था जेड सी, तो ये क्या हो गया एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बात कर दे रहे इसको मिटा। अब आपके पास चार नंबर है कि मान लीजिए ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स लाइंग ऑन अ प्लेन, ठीक है, हैविंग पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, हैविंग पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बोल रहे हैं, पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है, ये है स्मॉल डी। तो आप अगर एक रिलेशन निकालते हैं ऐसा एम ए लीनियर कॉम्बिनेशन इन सब का एन बी एम एन पी सी क्यू डी, तो अगर ऐसा होता है देन एम प्लस एन प्लस पी प्लस डी पी प्लस क्यू ज़ीरो होगा, कोप्लेनर है तो यह ज़ीरो होगा और यह ज़ीरो है तो वो कोप्लेनर होगा, ऐसा बात करना है। तो कोई एक बात कर देते हैं, तो मान लीजिए ए बी सी डी चार पॉइंट तो एक ही प्लेन में है, तो ए बी सी डी, ठीक है, तो एक मिनट के लिए ए को अगर ओरिजिन बोल दें या छोड़ दीजिए ओरिजिन, ओरिजिन कहीं और भी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, ए सी ए से ही चलते हैं, ए सी सी माइनस ए, ए डी डी माइनस ए, तो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, तो हम लिख सकते हैं एक्स ए बी प्लस वाई ए सी, तो ये क्या हो गया ए डी क्या हो गया डी माइनस ए एक्स बी माइनस ए वाई सी माइनस ए, तो सबको एक साइड ले आइए, तो ये क्या हो गया एक्स बी, बी का और कोई नहीं है, पहले ए का देख लीजिए, यहाँ एक्स माइनस एक्स है यहाँ वन, तो इसको अगर उधर भेज दिए तो ये आ रहा है वन माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स बी, ठीक है, और ए का और भी है, देखिए ए वाला सारा लिखिए, तो यहाँ से माइनस एक्स यहाँ से माइनस वाई यहाँ से वन, तो वन माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वैक्टर ए प्लस वाई का एक ही दिख रहा है ए सी बी का, आप लिखिए ए का हो गया बी का लिखिए, तो बी का एक ही टर्म दिख रहा है एक्स बी
और सी का लिखिए, तो ये दिख रहा है वाई सी। डी का लिखिए, माइनस डी बराबर 0। अब सम ऑफ कोफिशियंट देखिए, सम ऑफ कोफिशियंट 1 - x - y + x + y - 1 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आया 0। तो अगर ए बी सी डी को एक प्लेन में लाई करता है और आप अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी में कोई रिलेशन जानते हैं तो देयर सम ऑफ कोफिशियंट इज 0। सबको एक साइड ले आइएगा, तो ये क्या आएगा 0 होगा अगर कोप्लेनर है तो। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको मिटा रहे। चलिए आगे चले। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ ए बी, ऐसा अगर बोलता है, ए और बी का पोजीशन वेक्टर दे देगा, आपके पास 3 सवाल है। पहला सवाल है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, ठीक है, तो आपको अगर याद हो थोड़ा सा, मान लीजिए ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, ये अगर होता है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो ये ओ ए हुआ और ये क्या हुआ ओ बी, तो ए बी इसको बोल सकते हैं। तो अगर आप ओ ए का बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्स वन वाई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। फिर अगर आप ओ बी का बात कीजिएगा तो वो क्या होगा, ये एक्स वन वाई वन जेड वन था, ये क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो ओ बी का अगर बात करेंगे तो वो आएगा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। तो व्हाट कैन वी से अबाउट ए बी, तो ये होता है ओ बी माइनस ओ ए, तो ये कैसा दिखाई देगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ठीक है। तो मॉड ए बी क्या होगा, तो यहाँ पे पहले मॉड ए बी निकाल लेते हैं, या उसको निकालने से पहले ये जो आप देख रहे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, ये जो 3 चीज आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और मॉड ए बी अगर आपसे पूछे तो क्या होगा,
रूट अंडर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, ऐसा आएगा। अगर आप ए बी कैप का बात कीजिएगा वो होगा ए बी कैप, ये होता है वेक्टर ए बी बाय मॉड ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन बाई, ये पूरा वैल्यू लिखाएगा, रूट अंडर, सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, ये क्या हुआ, इनटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर इंटू जे कैप। हाँ, इस पे एक रूट भी डालेंगे, यहाँ बाई लिखेंगे और इस पे एक रूट भी डालेंगे, तीसरा प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, नीचे क्या आएगा, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर इंटू के कैप, ठीक है। तो इसको छोटा करके क्या लिख देते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और तीनों ये जो कोफिशियंट अब दिख रहा है ये पूरा, ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। कॉस बीटा क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन बाई रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। और कॉस गामा होगा तीसरा वाला, जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब अगर ठीक से देखे तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन इज, डायरेक्शन कोसाइन इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ए बी कैप को अगर हम लोग लिखे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एक का नाम एल यानी कॉस अल्फा, अल्फा एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, ये हो गया एल, कॉस बीटा एम और कॉस गामा एन, ये तीन चीज होता है। और तीनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ देंगे, देखिए एल एम एन वहाँ दिया हुआ है तो ये वन आएगा, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू वन। अब कोई बोले इसी को साइन में बदल लो, तो क्या बोल सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू वन। तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये तीन माइनस एक तो ये दो हो गया, ठीक है। तो आपसे जो पूछा है, अगर कोई बोले कि भाई डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, ठीक है। लेंथ निकालना है तो मॉड निकाल दीजिए। अगर कोई कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए प्लस बी के अलॉन्ग वेक्टर ए प्लस बी निकाल लीजिए और उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मतलब डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस, तो उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। अगर कोई कहे कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो लैम्डा ए कैप हो जाएगा। तो ये सब सवाल जितना बोल दिए उतने से बन जाएगा, बना भी दे रहे हैं।
पहला देखिए, ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है, तो ओ बी है 3i माइनस 4j प्लस 5k। ओ ए 2i प्लस 3j माइनस 6k। आई इसको दे दिए जे के, दिख रहा है आई जे के। थ्री माइनस टू वन, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस 7j, फाइव प्लस 6 11k। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। आपसे कहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड लेंथ ऑफ ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 49, 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ रहा है 9, 1 10, 1 11, 1 4 2 6 और 1 7, 171। तो ए बी कैप क्या होगा, वेक्टर ए बी डिवाइड बाय मॉड ए बी, ठीक है। तो वेक्टर ए बी है आई माइनस 7j प्लस 11k डिवाइडेड बाय रूट 171। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो आप उसको क्या समझिए, डायरेक्शन कोसाइन बराबर 1 बाई रूट 171 कॉस अल्फा, इतना है माइनस 7 बाई रूट अंडर 171, 11 बाई रूट अंडर 171, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। लेंथ पूछेगा तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस 5k, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 3k। तो ए प्लस बी 2i प्लस 2i 4i प्लस 3j माइनस 2k। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी, तो वो होगा ए प्लस बी का पहले मॉड निकाल लीजिए, तो ये क्या होगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 29 आ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू 4 बाय रूट 29 आई कैप, 3 बाय रूट 29 जे कैप, माइनस 2 बाय रूट 29 के कैप। हो गया, ऐसा चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे देख लीजिए, कोई वेक्टर ए है आई माइनस 2j, आई माइनस 2j आपसे बोला फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ दैट, तो आंसर है 7 ए कैप। तो पहले मॉड ए निकाल लीजिए, तो ये 1 हो गया और ये 4 यानी ये रूट 5। तो ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, ये हो गया आई माइनस 2j बाय रूट 5। तो दिस शुड बी रिटन एज
वन बाय रूट फाइव आई कैप माइनस टू बाय रूट फाइव जे कैप। अच्छा ये आंसर नहीं है, ये हुआ ए कैप। आपसे बोला ऑफ मैग्नीट्यूड सेवन, तो आंसर क्या है सेवन ए कैप। तो इसको सेवन से इंटू कर दीजिए, सेवन बाई फाइव आई कैप माइनस फोर्टीन बाई रूट फाइव जे कैप, ये आंसर है। मैग्नीट्यूड उसका वन है, सात यूनिट का चाहिए तो सात से गुना कर दीजिए, पचास यूनिट का चाहिए तो पचास से गुना कर दीजिए, वो हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सवाल बनाना शुरू कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।